हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र स्टडी में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक हमारी अपनी नई सीरीज़ जिसका नाम है तीन का तड़का। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे कि डेली की जो तीन बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी हमारे एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पूरे दिन की जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करने का ट्राई करेंगे। तो उसी में आज हमारा पहला दिन है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर IMAC को लेकर है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं भाई IMAC क्या है। तो IMAC देखिए हमारा अभी न्यूज़ जो हमारी है पहले वो जान लेते हैं, फिर हम जानते हैं IMAC क्या है। तो न्यूज़ हमारी ये है कि IMAC का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम NDMA कर दिया गया है, नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर। ठीक है, तो इसमें सारे जो भी स्टेक होल्डर्स थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज थी, सबकी प्रेजेंस में ऐसा किया गया। और इसका जो अब इसको कहेंगे वो हम नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी NDMA कहेंगे। ठीक, तो भाई हम जानते हैं ये IMAC क्या थी। तो IMAC हमारा बेसिकली एक नोडल एजेंसी थी फॉर मैरीटाइम डेटा फ्यूजन। तो इसमें क्या होता था कि बहुत सारे जो स्टेशंस थे हमारे, टोटल 51 स्टेशंस को एक तरह से सिंक्रोनाइज करके सारी डेटा एक जगह कर लिया जाता था, जिसमें 24/7 सर्वेलांस का हमें देखने को मिलती थी। तो देखिए हमें ऐसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो भाई ऐसे हमें डेटा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए ऐसा हुआ कि हमें पता है कि भाई देखिए आप कहीं भी सी हमारा लैंड बॉर्डर हो गया और एयर हो गया, ये प्रॉपरली डिफाइन है, और इसमें अगर कोई भी इंकर्जन होती है तो उसको एज अ इंट्रूजन लिया जाता है, और तुरंत वो केस वहीं पर भाई मान लेते कि हम आपने इंट्रूड किया है। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं अभी प्रेजेंटली कि कैसे चाइना इंट्रूड कर रहा है, तो हम वहाँ एकदम हमें पता होता है कि हमारा एयर स्पेस वॉयलेट हुआ है और अगर हमें कोई बॉर्डर पर हुआ है। लेकिन ये ऐसा सी में नहीं होता है, सी के केस में ऐसा नहीं है, सी बहुत ही वाइड है और हमको पता है कि भाई हमारी कोस्ट लाइन जो है वो 7516 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं अगर कोस्टल साइड से कोई भी दिक्कत हो जाती है, और हमने देखा भी था ऐसा। ठीक है, तो 26/11 जब मुंबई का टेरर अटैक हुआ था, ठीक है, 26/11 टेरर अटैक, तो उसमें हमने बेसिकली देखा कि कैसे उन्होंने सी के रास्ते को इस्तेमाल किया, ठीक है, एक बोट को हाईजैक किया और मुंबई में एंटर किए और इतना ज़्यादा वहाँ तबाही मचाई। तो कहीं ना कहीं उसी टाइम से हमें ये लग गया भाई कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये उसी टाइम एकदम DAC ने यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया था इसको 2012 में। तो हमें इसको बेसिकली सेटअप करना था उसी टाइम से, हमें आ गया भाई जब भी मुंबई टेरर अटैक हुए कि हमको सेटअप करना है, और ये अप्रूव भी हो गया DAC के द्वारा 2012 में। तो भाई ऑपरेशनल भी हो गया 2014 में। तो इसको बेसिकली जो इसको इनॉग्रेट किया था वो हमारे जो एक्स डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। तो देखिए अगर देखा जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी है कि ये सारे क्या, जैसे अभी बहुत सारे सर्विलांस होते हैं, सब कुछ होता है, तो ये प्रॉपर क्या सबको एक जगह सिंक्रोनाइज करके एक कंप्लीट डेटा दे देगा। ठीक है, एक कंप्लीट आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन है 24/7 सर्विलांस का, वो एक जगह डेटा फ्यूजन पूरा एक जगह डेटा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास कम से कम 2.5 लाख बोट्स हैं। ठीक है, 2.5 लाख बोट्स हैं, और उसमें भी हमने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ मिली थी कि जिसमें से 1.5 लाख जो स्मॉल बोट्स हैं उनमें क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वल्नरेबल हैं दोबारा से अगर 26/11 जैसे अटैक के लिए अगर प्रॉपर सर्विलांस नहीं रखेंगे तो हम। ठीक है, ये एक नोडल सेंटर भी होगा किसके लिए, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम यानी NC3I के लिए। ठीक है, जो इस्टेब्लिश करेगा क्या, लिंक करेगा, इस्टेब्लिश लिंक करेगा किसके बीच, ऑपरेशनल सेंटर्स के बीच, लोअर एक्लॉन्स के बीच में, नेवी के, कोस्ट गार्ड हो गया, तो सबका जैसे नेवी हो गई, कोस्ट गार्ड हो गई, तो ये सारे जो भी लोग हैं, ये जो भी हमारी एजेंसीज हैं, ये अपने साइलोज में काम नहीं करेंगी। ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, और इनके बीच एक कंट्रोल होगा चीज़ों को लेकर कि भाई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इनके पास जा रही है, आपस में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसी इसी चीज़ को केटर करने के लिए, इसी चीज़ को सही करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई IMAC, ठीक है, जिसका नाम अब NDMA कर दिया गया है। ठीक, तो ये सारा हमारा पर्पस सॉल्व कर देगी और प्रॉपर सर्वेलांस हो जाएगा हमारे सी का। ठीक है, तो अब हमारा सी भी सर्वेलांस हो रहा है प्रॉपर, एयर तो है ही और बॉर्डर तो है ही। ठीक है, तो जैसा कि हम ये फोटो में देख सकते हैं ये ऐसा कुछ रहेगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पे हमारे डिफेंस, और ये डिफेंस स्टाफ हमारा, और यहाँ पे प्रॉपर सर्वेलांस चल रही है। ठीक है, तो 24/7 सर्वेलांस सिस्टम है ये, तो काफ़ी अच्छा स्टेप है और बहुत ही बढ़िया, ये हमारी फ्यूचर में और प्रेजेंट में भी हमारी सिक्योरिटी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरी भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि स्कॉटलैंड पहला ऐसा नेशन बना है जिसने सैनिटरी पैड्स और टैम्पॉन्स को फ्री किया है, ठीक है। तो देखिए स्कॉटलैंड कहीं ना कहीं सभी ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि भाई हेल्थ हाइजीन को लेके, ठीक है, और पीरियड हाइजीन को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। उससे कई सारी बीमारियाँ होती हैं, तो इसी में एक बहुत अच्छा कदम उठाते हुए स्कॉटलैंड पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने सैनिटरी पैड्स और टैम्पॉन्स को फ्री किया है, ठीक है। तो सैनिटरी पैड्स हम जानते हैं ये टैम्पॉन्स हैं, ठीक है। तो टैम्पॉन्स हो गया और मेंस्ट्रुअल कप हो गया, तो ऐसे ही कुछ और भी अदर अदर डिवाइसेस हैं, तो ये टैम्पॉन्स हैं, ठीक है, जिसको हम बेसिकली पीरियड में इस्तेमाल करते हैं। एक जैसे सैनिटरी करते हैं, जो भी वीमेन होती हैं जैसे सैनिटरी करती हैं, फिर टैम्पॉन्स भी कर सकते हैं या मेंस्ट्रुअल कप, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जो प्रॉपरली अगर इनको फ्री कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हेल्थ हाइजीन को लेके। और एक जो आपने टर्म सुना होगा पीरियड पावर्टी, ठीक है, तो पीरियड पावर्टी बेसिकली यही है कि भाई जिसमें जो भी जो इस पावर्टी से जूझ रहा है वो एकदम अनेबल है टू अफोर्ड अ प्रोडक्ट सच एज पैड्स और टैम्पॉन्स टू मैनेज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के समय ये बिल्कुल इनके पास पैसे नहीं होते हैं कि भाई ये टैम्पॉन्स और ले सकें, तो इसमें अब स्कॉटलैंड क्या कहा है, पहला नेशन बन गया जो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेगा। तो क्या हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ है? जी, हमारे यहाँ बिल्कुल सेवरल स्टेट्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे उड़ीसा में एक खुशी स्कीम है, ठीक है, जिसके तहत उन्होंने 6 से 12 क्लास तक बिल्कुल फ्री सैनिटरी पैड्स बंटवाने का ऐलान किया, ठीक है, जो उनकी स्कीम है। तो ऐसा यूपी ने भी एक कदम उठाया, हरियाणा ने भी उठाया, कर्नाटका ने भी कोशिश की। तो ऐसे बहुत स्टेट्स हैं जो अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि भाई या तो इनको एकदम टैक्स फ्री किया जाए या इनको कम्प्लीटली फ्री किया जाए, ठीक है, जो बेसिक हमारे हेल्थ हाइजीन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जैसे सैनिटरी पैड हो गया, टैम्पॉन्स हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखिए तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी जो हमारे तीन कतारका में तीसरी न्यूज़ है कि भाई UNDP ने और इन्वेस्ट इंडिया ने अभी लॉन्च किया है SDG इन्वेस्टर मैप, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें पता है कि भाई SDG हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, और इन्वेस्टर तो मतलब इन्वेस्टमेंट की बात है इसमें। तो भाई ये क्या करेगा, इन्होंने जो मैप ले डाउन किया है, ये मैप ले डाउन करेगा 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, IOA इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वो भी 6 क्रिटिकल SDG इनेबलिंग सेक्टर में, ठीक है। जो 6 क्रिटिकल SDG इनेबलिंग सेक्टर हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएंगे ये, ठीक है। उससे क्या होगा कि भैया पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर दोनों इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारे ये गोल अचीव हो जाएंगे और उससे कंप्लीट पूरा हमें SDG का भी जो हमारा 2030 तक SDG का गोल है वो भी अचीव करने में हमें सहायता मिलेगी। और इसमें हमारा PPP हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो जाएगी। तो ये हर तरह से बहुत ही अच्छा SDG इन्वेस्टर मैप एक जो UNDP प्लस इन्वेस्ट इंडिया कराते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है एग्ज़ाम से कि भाई SDG जो इन्वेस्टर मैप है वो कौन कराता है, तो UNDP है वो SDG वाली, और इन्वेस्टर की बात है तो इन्वेस्ट इंडिया कराएगी, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हम जल्दी से जान लेते हैं भाई कौन कौन से SDGs हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो टोटल 17 SDGs हैं, ठीक है, 17 के 17 इंपॉर्टेंट हैं। और इनका टारगेट क्या है, 2030 तक हमें SDG गोल अपने फुलफ़िल करना है। तो देखिए उसी में हमारा पहला क्या है कि भाई पहला SDG हमारा नो पावर्टी, दूसरा ज़ीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा हमारा हो गया SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनक्वालिटी 10th है हमारा, ठीक, सस्टेनेबल सिटीज़ हो गई, 12वां हो गया रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, फिर हमारा क्लाइमेट आ गया, फिर हमारा लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, पहले पानी के नीचे और लैंड के ऊपर, फिर पीस एंड जस्टिस और लास्ट पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये 17 के 17 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लस हमें इनका नाम याद होना चाहिए क्योंकि हमारी प्री के लिए भी काम है, कभी मैच द फॉलोइंग आ सकता है, मेंस में भी हमें आंसर्स में लिखना पड़ता है भाई कि हम अपने अकाउंट से SDG गोल को टारगेट कर रही है ये पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। तो उससे एक वेटेज आता है आंसर में और आंसर कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो ये हमारे लिए मतलब तीनों फेज़ में इंपॉर्टेंट है, PMI, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। तो हमें ये कम्प्लीटली याद होने चाहिए, इनको याद करने की भी या तो आप ट्रिक से याद करो कैसे भी करो, पर ये थोड़ा आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो अगर एक रेगुलर हम पढ़ेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे वो याद हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आज के लिए कुछ तीन का तड़का का पहला लेसन था, तो बताइएगा कैसा लगा और इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।